हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काजल बेस्ट कुकिंग हाउस में। और आज हम लोग जो डिश बनाने जा रहे हैं वो राइस बॉल। ये बचे हुए जो चावल बच जाते हैं अक्सर, मैंने उनसे बनाया है। तो ये बनने में काफ़ी इजी है और सिंपल तरीके से बन जाते हैं, और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और ये काफ़ी डिलीशियस होते हैं। आप गेस्ट के लिए, खुद के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, या शाम की चाय के साथ भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमें राइस बॉल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये बचे हुए चावल है, ये एक कटोरी, बड़ी कटोरी चावल बचे गए थे वो है। और इसमें मैंने एक छोटा प्याज कट करके डाला है, बारीक काट के। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च कट किया है, उनको डाला है। और अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये भी मैंने आधा चम्मच ही लिया है, ये आधा चम्मच से कम मैंने लाल मिर्च लिए क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है। और ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नमक लिया है, और चावल में पहले से नमक है तो नमक मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और अभी हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैं 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और यूज़ कर लेंगे बाद में। और अभी इसमें हम डालेंगे, ये मैंने 2 बड़ा चम्मच पोहे लिए थे, उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप पोहे की जगह पे कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हो। और ये थोड़ा सा जीरा, जीरे से इसे टेस्ट अच्छा आता। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने में अभी बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है इसमें। और ये यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, इसको अच्छे से कद्दूकस करके और ये इसको डाला है। और ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और लगे तो बेसन और बाद में मिला सकते हो। और ये एक अच्छा सा डो हमारा बन के रेडी हो गया है। और अभी मैं थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ज़रूर लगाएं क्योंकि इसमें बेसन है तो वो हाथ से चिपकता है। और छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, आप इनको गोल भी बना सकते हो या फिर कटलेट बनाते हो उसके हिसाब से चपटे भी बना सकते हो। तो मैं राइस बॉल बना रही हूँ इसलिए मैं को बॉल के साइज़ में 1 नींबू के बराबर बना रही हूँ। और अब हम ऐसे करके सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और हाथों में ऑयल ज़रूर लगाएं, ये और नहीं तो हाथ से चिपकता है। तो ये सारे बॉल ऐसे ही बनाना है, और मेरे बॉल सारे बनके रेडी हो गए हैं। और अभी हम लोग ऑयल को गरम कर लेते हैं। ये ऑयल गरम हो चुका है, जैसे आप पकोड़े के लिए ऑयल गरम करते हो वैसा ही किया हुआ है। और अच्छे से गरम करने के बाद हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें एक एक करके बॉल डालेंगे और इनको मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। पहले ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। और आप जैसे पकोड़े फ्राई करते हो सेम इनको भी वैसे ही फ्राई करना है, और मीडियम हीट पे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। और इनको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। तो ये बन के, इनको कम से कम फ्राई करने में लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, मीडियम हीट पे करेंगे तो उतने 2 से 3 मिनट तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। ये हमारे बॉल बन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अभी हम इनको निकाल लेंगे। आप इनको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, गेस्ट आए उनके लिए भी बना सकते हो, काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी होते हैं। और बचे हुए भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और अब हम इनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म राइस बॉल। आप इनको हरी चटनी या फिर सोया सॉस, सॉरी सॉस के साथ खा सकते हो, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और आई होप आप सबको पसंद आएंगे।